आज अम्बाला शहर में हम पहुंचे हैं टुडे 24 न्यूज़ की टीम के साथ। यहां पे 12 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आज हम जानेंगे अम्बाला शहर का माहौल। चलते हैं हम आज यहां की जनता के पास। मैं तो ये बताऊंगा जी कि मेरा तो निश्चय है और पूरा मन बना लिया नोटा का बटन दबाने का। उधर भी वही है, इधर भी वही है, फर्क कुछ नहीं पड़ा दोस्तों। मैं तो एक शायरी में एक जगह कहा करता हूँ कि आजकल फिल्मों में डाकू नजर नहीं आ रहे हैं, आजकल फिल्मों में डाकू नजर नहीं आ रहे हैं, लगता है पुलिस से डर गए हैं या घबरा गए हैं। पर मुझे अभी किसी ने बताया, सरदार साहब ने, कि नहीं जगजीत भाई, वो तो वोटों में खड़े होने के लिए दिल्ली आ गए हैं, वो तो वोटों में खड़े होने के लिए दिल्ली आ गए हैं। दोस्तों व्यवस्था नहीं बदली। चार पंक्तियों से बड़ी बात समराइज करूँगा, सारी बात कह दूंगा कि आज़ादी तो आई है, आते ही चढ़ गई कारों में, इनकलाब खड़ा है आज भी राशन की कतारों में, चोर चक्के ठग लुटेरे घुस गए हूँ सरकारों में, जैसे रेशम के नाड़े घुसे खद्दर की सलवारों में, और वोट मांग रहे ये नेता आते ही हूँ हमारे दरबारों में, जैसे कोई हिजड़ा पगड़ी बांध कर जा बैठे सरदारों में, जैसे कोई हिजड़ा पगड़ी बांध कर जा बैठे सरदारों में। और दो आज़ादी हमें, दो आज़ादी वो जान लुटाते रह गए, जाना था हमें कौन सी धारा में, हम कौन सी धारा में बह गए, कुछ चोर चक्के ठग लुटेरे हम कुर्सियों पर भी सह गए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फोटो में ही रह गए, शहीदों के बेटे बेटियां हमने इस आज़ादी में रेड़ियां लगाते देखे हैं। बात सच्ची और कड़वी है, तब भी सूफी जैसे कह गए, तब भी सूफी जैसे कह गए। कोई बदलाव नहीं आना, बदलाव लाना पड़ेगा सोच में। कैंडिडेट मत चुनो, पार्टी मत चुनो, व्यक्तित्व चुनो जो काम कराने वाला हो। आज मैं देख रहा हूँ पिछले 20-25-30 दिनों से वीडियो पर, व्हाट्सएप पर, जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया जनता को, सरदार जी उनको धक्के पड़ रहे हैं। आपने भी वीडियो में देखा होगा, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे अम्बाला हो, चाहे लाडवा हो, चाहे रदौर हो, लोग धक्के मार रहे हैं, भगा रहे हैं। तो दोस्तों क्रांति आएगी, ये मेरा निश्चय है। मैं ये दुआ करता हूँ इस देश में क्रांति आए, बदलाव आए। इन्हीं सोच के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे सम्मान दिया। आपके चैनल का भी धन्यवाद दूँ और आपका भी धन्यवाद। ये लोग जब इनसे कोई बात पूछता है ना, आपने 5 साल में क्या किया है, तो ये उसके उस युवा के अंदर जाकर युवा का दिमाग घुमा देते हैं। और बुजुर्गों के इनने तो यहाँ तक की बात है, पीछे जो वादा 2000 रुपये पर मंथ पेंशन का किया था, इनने जो बुढ़ापा जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके साथ भी धोखा किया, उनको भी किस्तों में पैसे बढ़ाए हैं। लेकिन इनकी घोषणा पत्र में यह था हम बढ़ते ही 2000 रुपये देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इनने 2000 रुपये कर, 200 रुपये करके एक बुजुर्ग को 1 साल के अंदर, आप ये देखो अगर आप उसको 200 रुपये कम देंगे तो 12 गुना 24, आप ये देखो उसको 12 96 96 रुपये। 5 साल जो कार्यकाल जो गए हैं रतनलाल कटारे जी के, उसके कार्यकाल से खुश नहीं होंगे? कटारिया तो यहाँ दिखा ही नहीं कार्यकाल से, क्या था? वो तो लोगों के बीच में रहा ही नहीं, उसको तो शकल से नहीं जानते कौन सा कटारिया है, कौन राज्य कौन है। यहाँ तो मैडम शैलजा है, मैडम शैलजा ने काम किया, मैडम शैलजा ही इस लोकसभा की दुख सुख साथ चोटी तक पहुँचाया। और अब मैं बताऊँ वो बंदा कौन है, वो बंदा है विनोद शर्मा, अभी तक वो साइलेंट है, अभी उधर से आदेश नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि विनोद शर्मा जी कौन सी पार्टी में जाएंगे? अभी तक उनको यही नियुक्त नहीं किया कि कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं। वो सर्वज्ञानी है, वो सब जानते हैं। अभी तक इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, क्यों? जब तक बाप का आदेश ना हो बेटा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी वोट किसको है इस बारी जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं? हमारी वोट सही पूछो तो मोदी हो जाएगी, मोदी की लहर। पहले हम शैलजा का राग गाते थे, हम शैलजा के कांग्रेसी वर्कर हैं, बट जहाँ तक जो मोदी ने काम किए हैं, हमारी वोट इस बार मोदी को जाएगी। हमारी क्या, हमारे परिवार की। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, ये समाज से भी थे, आज हमें हर्बल पार्क में मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।